हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से इंस्टेंट रसमलाई। ये रसमलाई खाने में बहुत टेस्टी और बहुत स्पंजी लगेगा। आप दूध से, पनीर से रसमलाई तो बनाए ही, लेकिन आज हम आपको ब्रेड से रसमलाई बनाना बताएंगे। बिल्कुल कम चीज़ों से हमारा ब्रेड का रसमलाई बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ब्रेड के रसमलाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने फ्रेश ब्रेड ले लिया है। ब्रेड आप 4-5 दिन का रखा हुआ ना लें, वो सूख जाता है, तो इससे अच्छा आपका रसमलाई नहीं बन पाएगा। एकदम ब्रेड सॉफ्ट होना चाहिए, वो वाला लें। ये हमने 1/2 लीटर दूध लिया है। इस दूध को हम थिक करेंगे। तो थिक करने से पहले हम दूध को एक कटोरी निकाल लेंगे 1/2 लीटर दूध में से। इस दूध से हम फिलिंग तैयार करेंगे रसमलाई का, और इस दूध को हम थिक करेंगे। और हमें चाहिए ये दूध का मलाई। आप इसके जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। ये 30 ml के कप से 1 कप हम मिल्क पाउडर लिए हैं। बड़ा चम्मच से 1 चम्मच हम देसी घी लिए हैं। येलो फूड कलर लिए हैं 1/4 छोटी चम्मच। 2 से 3 इलायची है जिसका हमने पाउडर बना लिया है। और 60 ml के कप से 1 कप हम चीनी लिए हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड की रसमलाई। तो सबसे पहले हम मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से। इसे एकदम अच्छे से मिक्स करके हमको स्मूथ बना लेना है। ये देखिए, हमने एकदम क्रीम जैसा इसे मिक्स करके बना लिया है। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं रसमलाई का। तो गैस पर एक कढ़ाई रख लिए है, इसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम घी डाल देंगे 1 चम्मच भर के, और इसमें जो 1 कटोरी दूध निकाल के रखे थे वो सारा दूध डाल देंगे। अब इसी दूध में हम जो मिल्क पाउडर निकाल के रखे थे वो सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लें। अब इसे हम बॉईल करके एकदम थिक कर लेंगे अच्छे से। इसमें अभी ही हम फ्रेश मलाई भी डाल देंगे सारा। अब इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छे से इसका दूध सुखा के इसे थिक कर लेंगे और इसका फिलिंग तैयार करेंगे। ये करने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम 3 चम्मच भर भर के चीनी डाल देंगे। आप चीनी का क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग में हम चीनी का क्वांटिटी कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें अभी दूध थिक करेंगे, उसमें भी चीनी डालना है, इसलिए। अब इसे अच्छे से थिक कर ले। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए सारा दूध को सुखा लिया है। ये हमारा रसमलाई का फिलिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक होगा। रसमलाई का फिलिंग हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक से हम दूध को भी थिक कर लेते हैं। इसे हाई फ्लेम पे बॉयल कर ले पहले। दूध में हमारा बॉयल आ रहा है, तब तक से हम ब्रेड को देख लेते हैं। तो ब्रेड को हम कॉर्नर का जो जगह है उसको हम पतला करेंगे। तो बेलन की मदद से हम कॉर्नर पर थोड़ा सा प्रेस कर करके इसे पतला कर लेंगे। आप बीच में बेलन ना चलाएं, बीच में हमारा स्पॉन्ज ही रहना चाहिए ब्रेड में। किनारे बस बेलन चला के आप पतला कर लें। तो बिल्कुल ऐसे ही हम किनारों पर बेलन चला लेंगे सारे पे। तो ये हम सारे ब्रेड पर अच्छे से बेलन चला चला के पतला कर लिया है किनारों पे, ये देखिए। अब एक हम गिलास लेंगे जिसमें हमारा कोर होना चाहिए गिलास में। अब गिलास से हम इसे गोल घुमा के
बीच के पोर्शन को निकाल लेंगे बिल्कुल ऐसे, और इसे हम साइड में रख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे को सर्कल शेप में कर लेंगे ब्रेड को। ये हमने सारे ब्रेड को सर्कल का शेप दे दिया है। अब हम इसमें जो फिलिंग बना के रखे थे वो लगाएंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद हमारा फिलिंग कितना अच्छा हो गया है, हमको बिल्कुल ऐसा ही फिलिंग चाहिए था, पूरा अच्छे से ठीक हो गया है। तो अब हम ब्रेड में लगाएंगे इसे। अच्छे से कॉर्नर तक से लगा लें, हमने लगा लिया है इसमें कॉर्नर तक से। अब एक ब्रेड के स्लाइसेस को फिर से लेंगे और ऊपर से रख देंगे इस पर, उसमें हम फिलिंग नहीं लगाएंगे, बस ऊपर से रख देंगे। और हम बिना कोर वाला एक कटोरी लेंगे जिसमें ऐसा बनाया हो, कोर के जगह पे हमारा एकदम चिकना हो। इस कटोरी से हम क्या करेंगे कि इसे हम पुश कर देंगे, पुश करके इसे हटा दें। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर अच्छे से बंद हो गया है चारों तरफ से, और बीच में हमारा स्पॉन्ज है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही सारे ब्रेड को कर लेना है। मैं एक और करके आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम फिलिंग लगा लेते हैं इसमें। ये हमने फिलिंग लगा लिया है, अब एक ब्रेड को ऊपर से रख देंगे और इसे इस कटोरी से पुश कर देंगे, इसे फिर हटा दें। तो ये देखिए हमारा ब्रेड बीच में स्पंजी रह जा रहा है, किनारों पे अच्छे से बंद हो जा रहा है। तो सारे ब्रेड को हम ऐसे ही कर लेंगे। तो फिलिंग लगा लगा के हमने सारे ब्रेड को रसमलाई का शेप दे दिया है। तो अब हम दूध को देख लेते हैं। दूध में हमारा अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस दूध को अच्छे से थिक कर लेंगे। इसका एकदम दूध का आधा क्वांटिटी हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा बॉयल होके पहले से ही। ये करने में आपको 10 से 15 मिनट तो आराम से लग जाएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से थिक करें और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। 10 मिनट तक हम चलाते हुए दूध को थिक कर लिए हैं। ये देखिए हमारा दूध का क्वांटिटी कितना कम हो गया है। तो अब हम इसमें इलायची का जो पाउडर बना के रखे थे वो सारा डाल देंगे इसमें, और इसमें हम 2 चम्मच भर भर के चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी हमारा फिलिंग्स में भी है। तो चीनी का क्वांटिटी आप इसमें कम रखें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं इसमें। तो दूध को हमको जितना सुखाना था, थिक करना था, उतना हम कर चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर ठंडा करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। ये पूरा एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ब्रेड पर डालेंगे। तो इसे ठंडा होने में हमारा 30 मिनट तो लग ही जाएगा। 30 मिनट के बाद इसे फ्रिज में रख के हमने दूध को अच्छे से ठंडा कर लिया है। ये अच्छे से एकदम ठंडा हो गया है। अब ये सारे ब्रेड पे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालेंगे। अच्छे से धीरे धीरे करके चारों तरफ से डालें। तो ये देखिए हमने सारा दूध अच्छे से इस पे थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है ब्रेड पे। अब ये जो हमने ऑरेंज फूड कलर लिया था इस पे थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लें। तो ये हमने 2-3 ड्रॉप डाल लिया है दूध और इसे अच्छे से मिला ले। अगर दूध नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। अब हाथों से इस पे
हम सर्कल का शेप दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पे सर्कल का शेप दे देंगे। ये देखिए हमने सारे पे अच्छे से येलो फूड कलर का सर्कल का शेप दे दिया है। तो ये हमारा ब्रेड का रसमलाई बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप इसको बीच में रख सकते हैं, इससे हमारा ब्रेड का रसमलाई देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में अच्छे से निकाल लेते हैं। रसमलाई को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, तो हमारा ब्रेड का रसमलाई एकदम अच्छे से तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है देखने में हमारा ब्रेड का रसमलाई। मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर का टेक्सचर इसका। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ब्रेड का रसमलाई। अंदर तक हमारा दूध अच्छे से थिक किया हुआ एब्जॉर्ब कर लिया है ब्रेड, और फिलिंग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ब्रेड की रसमलाई को मेरे तरीका से। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।